अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं आपका डॉक्टर डॉक्टर बिलाल फरद एंड दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर बीएफ। अच्छा, इस बारे में मैं आज का जो टॉपिक है वो है कि हाइपरटेंशन क्या है, मतलब ये क्या है भाई रोला। बीपी 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 जो लगाई हुई है, साइलेंट किलर जिसे कहते हैं, या इसको ये कैसे बढ़ता है, ये कैसे, ये होता क्या है। बीपी जो दो वैल्यूज हमें बताई जाती हैं शुरू से ही, एक ऊपर वाली वैल्यू जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक नीचे वाली वैल्यू जिसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये क्या है, इसको बड़े आसान तरीके से आपको मैं बताऊँगा कि ये नॉर्मल वैल्यू जैसे सबको पता है 128 ही होती है, लेकिन ये वैल्यू बनती कैसे है। ये वैल्यू ऐसे बनती है कि देखिए, ये हार्ट है, इफ़ सपोज़ ये ऐसे से पंप कर रहा है पूरी बॉडी को आगे, इतना बड़ा योर्टा जो वैसल बड़ी वाली नाली होती है उसके आगे ऐसे फिट होती है पाइप की तरह, जो आगे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करती है आगे, ठीक है। इमेजिन करना अपने साथ साथ, ये जो हार्ट है, ये हार्ट जब पंप करता है तो वो जब वो पंप करता है तो ब्लड आगे की तरफ मूव करता है, रन करता है, ठीक है। जब वो पंप करके आगे की तरफ मूव करता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जो नालियाँ होती हैं उसके अंदर, जो वेन्स, जो आर्टरीज जिसको हम कहते हैं, या वेन्स भी कह लें आम अल्फाज में, तो उनके अंदर एक प्रेशर जनरेट होता है जब वो हार्ट पंप करता है। उस प्रेशर को कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120 होता है, जिसको 120 होना चाहिए, लेकिन हमारे पाकिस्तानियों में माशाल्लाह से ये बहुत ऊपर होता है, बहुत ऊपर होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जिसको हम नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, तो ये कौन सा ब्लड प्रेशर है, ये है कि जब आपने हार्ट को पंप किया तब जो आगे वेसल्स हैं उसके अंदर जो प्रेशर जनरेट हुआ है वो हो गया सिस्टोलिक। पंप करने के बाद इसने रिलैक्स भी तो होना है। रिलैक्स होने का मकसद ये है कि जब इसने रिलैक्स होना है तो उसके अंदर जो पीछे से जो आ रहा है ब्लड वो इसमें एक्यूमुलेट होगा या फिल होगा, या इसके अंदर जो है ब्लड जमा होगा। तो जमा होने के लिए हार्ट का रिलैक्स होना बहुत ज़रूरी है। अगर अगर इसी तरह रहेगा तो उसके अंदर ब्लड जमा ही नहीं होगा, तो आगे पंप कैसे करेगा, ठीक है। तो ऐसे जब हार्ट रिलैक्स होगा, इसके अंदर सारा ब्लड जमा हुआ, पीछे से आया ब्लड, ठीक है, जमा हुआ, फिर उसने जो इसके अंदर ऑलरेडी जमा हो चुका है ब्लड ज़्यादा, उसने फिर पंप करना है और आगे की तरफ बॉडी को फिर ब्लड भेजना है, ठीक है। जब उसने रिलैक्स किया और हार्ट फिल होता रहा, बड़ा होता रहा, रिलैक्स करता रहा, जब मैक्सिमम रिलैक्स हो गया है, इससे ज़्यादा रिलैक्स नहीं होता, वो जो ब्लड प्रेशर है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, या नीचे वाला ब्लड प्रेशर। वो होना चाहिए 80। वो भी हमारे माशाल्लाह हम पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा होता है, जो चीज़ कम होनी चाहिए वो हमें बहुत ज़्यादा है, और जो चीज़ हमें ज़्यादा होनी चाहिए हमारा इखलाक वो हमें बहुत कम है। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँगा कि ब्लड प्रेशर आपको कैसे अफेक्ट करता है, कैसे आपको अंधा करता है, कैसे आपको नामर्द बनाता है भाई जी, नामर्द बनाता है, तो और कैसे ये हार्ट अटैक करवाता है, दिमाग का दौरा करता है, तो इसके बारे में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।